हक पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद असदी। बिजली की बचत के लिए वजारत पावर डिवीजन ने बड़े इकदामात का फैसला कर लिया है। ताजिरों की जानिब से दुकानें जल्द बंद करने से इनकार पर मुतबादिल तजावीज तैयार कर ली गई हैं। बड़ी खबर सामने आ गई है। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। आपको बताते चलें कि बिजली की बचत और बाजार जल्द बंद करने के लिए कमर्शियल फीडर्स पर शाम 7 बजे बिजली बंद करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक समरी की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। समरी के मुताबिक मुल्क भर के कमर्शियल फीडर्स को शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक बंद करने का फैसला किया गया है। कमर्शियल फीडर्स पर दिन के औकात में कोई लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। कमर्शियल फीडर्स की बंदिश से 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक ट्यूबवेल के फीडर्स की बिजली भी बंद रखने का फैसला किया गया है। ट्यूबवेल वाले फीडर्स बंद होने से 3000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। ज़राए ने बताया है कि इन तजावीज की इसी हफ्ते वजीर आजम और काबीना से मंजूरी भी ली जाएगी। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए हक पाकिस्तान न्यूज़।